बॉलीवुड में चल रहा है घमासान माहौल, जिसे देखने के बाद फैंस काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इनफैक्ट एक नतीजे पे पहुंच नहीं पा रहे कि आखिर कौन सही है और कौन गलत है। इस बीच एक वीडियो सामने आता है एक एक्ट्रेस का, जिसे देखने के बाद फैंस ने बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शन दिया है। आखिर कौन सा वीडियो है और कौन सी एक्ट्रेस ने किया है ये वीडियो पोस्ट और किस बेसिस पर मैं कर रही हूँ पूरी बात, आइए देखते हैं इसकी पूरी खबर। सो हेलो एंड वेलकम टू फिफा फूज, मैं हूँ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट दीप्ति बिस्वाल। मैं आपको बता दूँ कि सबसे चर्चित जो मूवी रही है अब तक के, जिसका नाम है 3 इडियट, उसको लेके बातें बन रही हैं। जी हाँ, इस मूवी की एक बातें, इस मूवी से जुड़ी एक चीज़ें सामने आई है, जिसे देखने के बाद फैंस लोगों ने तरह तरह के अपने अनुमान लेने शुरू कर दिया। लेकिन इस बीच फैंस से पहले ही इस मूवी की एक एक्ट्रेस, जो सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस है, इसने अपना एक रिएक्शन वाला वीडियो शेयर किया है और इस रिएक्शन वाले वीडियो में काफ़ी गुस्से तौर पर इन्होंने ये वीडियो बनाया है, ये दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूँ 3 इडियट मूवी का सीक्वल बनने जा रहा है और इस बीच करीना कपूर, जी हाँ, एक्ट्रेस करीना कपूर ने एक बहुत ही गुस्से वाले अंदाज में एक इंस्टाग्राम हैंडल पे, अपने सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम हैंडल पे एक वीडियो शेयर किया है, जिस वीडियो में उन्होंने सामने से खुल के ये चीज़ बताया है कि मेरे साथ इतना बड़ा गलत कैसे कर सकते हैं ये लोग। अभी करीना कपूर के साथ क्या गलत हुआ है मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले ये जान जाते हैं कि आमिर खान, आर माधवन, शर्मा जोशी और करीना कपूर खान, ये चार लोग एक मूवी में नज़र आए थे, जिस मूवी का नाम था 3 इडियट, और ये सबसे ज़्यादा देखने वाला बॉलीवुड मूवी अब तक का रिकॉर्ड में रहा है। ये भी एक ऐसी मूवी है बॉलीवुड की जिसे आज भी लोग पसंद करते हैं और आज भी लोग देखते हैं और सबसे ज़्यादा तादाद में लोगों ने इसको देखा है। ये मूवी को जिसने पूरा बनाया है ये राजकुमार हिरानी, और इस मूवी में बोमन ईरानी और मोना सिंह भी एक रोल में दिखाई देते हैं और ये 2009 को ये मूवी रिलीज़ हुई थी। इसके साथ साथ आज इस बात को 17 साल होने के बाद, जब इस आप कह सकते हो इस मूवी का सीक्वल बनने जा रहा है, तो सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो सामने आया था, सोशल मीडिया पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आया था, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्मा जोशी, आमिर खान और आर माधवन नज़र आ रहे हैं। तीनों के तीनों आप कह सकते हो एक लाइन में बैठे हैं और रेड कलर का कुर्ता पहने हुए बैठे हैं और पीछे 3 इडियट्स लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये बात जैसे ही करीना कपूर तक पहुँचती है, करीना कपूर बहुत ही गुस्से वाले रिएक्शन के साथ एक वीडियो बनाती है। फैंस लोगों ने ये चीज़ एक्सपेक्ट किया था राजकुमारी हिरानी से कि आप इस चीज़ का सिक्वल बनाओ या फिर 3 इडियट जैसे एक मूवी लेकर आओ, फिर 3 इडियट पार्ट 2 बना दीजिए, इतने टाइम से चल रहा है इस चीज़ को। अब जब राजकुमारी हिरानी ने इस चीज़ को एक सेकंड इंस्टॉलमेंट, एक सेकंड वे से आप सबके सामने लेकर आने की बात कही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जब इस बात को एक्सप्रेस करने की कोशिश की, तभी ये एक्ट्रेस ने यानी कि करीना कपूर खान ने अपनी नाराज़गी दिखाते हुए ये कहा कि ये लोगों ने मेरे से इस चीज़ को क्यों छुपाया। मैं आपको बता दूँ, ये जो न्यू सिक्वल की बात करें, इस बारे में करीना कपूर को अंदाज़ा भी नहीं था। इस बारे में करीना कपूर ने खुद इंस्टाग्राम के एक वीडियो में कहा है कि मुझसे ये बातें छुपाई गई हैं, मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया गया, जबकि 3 इडियट्स एक मेन लीड रोल में मैं नज़र आई थी और जब तुम इसका सीक्वल बनाने जा रहे हो तो मुझे तुम लोगों ने कैसे इन्वॉल्व नहीं किया है, मतलब मुझसे छुपा के तुम्हें क्या मिलेगा, आपको क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा। और अब जब मुझे पता चला है तो मुझे बेहद बुरा लग रहा है। इस दौरान उन्होंने एक और जब इंस्टाग्राम पे वीडियो पोस्ट किया था, इन्होंने क्या क्या कहा है मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता देती हूँ। करीना कपूर ने कहा है कि मुझे जैसे ही खबर मिली कि इस मूवी का सीक्वल बनने जा रहा है, मैं फटाक से ये वीडियो बनाई और आप सबसे पूछ रही हूँ कि क्या ये मेरा रिएक्शन गलत है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं अभी आप सबके सामने बोमन ईरानी को कॉल करने वाली हूँ। मैं आपको बता दूँ, बोमन ईरानी वो कैरेक्टर में इस मूवी में दिखाई देते जहाँ पे वो करीना कपूर के डैड का रोल निभा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इस बारे में उनको भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनसे भी बातें छुपाई गई, सिर्फ मेरे तक नहीं उनसे भी बातें छुपाई गई हैं। मैं उनको कॉल करके पूछती हूँ कि आखिर अगर उनसे भी बातें छुपाई गई है तो क्यों क्या है, और हम दोनों इस नतीजे पर पहुँचेंगे और पूछेंगे कि हमसे ये बातें क्यों छुपाई जा रही हो। इसके दौरान करीना कपूर ने ये भी कहा है कि मेरे को इस बारे में तब पता चला जब मैं अपने एक हॉलीडे टूर पर थी और हॉलीडे पर जहाँ मैं गई थी वहाँ पर एक क्लिप के बारे में, इस बातों के बारे में चर्चा होने लगी एंड मैं वहाँ पे शॉक थी क्योंकि जिस मूवी का सिक्वल की बातें कर रहे हो उस मूवी में मेन लीड रोल में मैं नज़र आई थी, कुछ तो बातें पकड़ी थी, कुछ तो बातें चल रही थी, लेकिन कोई भी मेरे सामने खुल के इस बारे में बात नहीं कर रहा था। और जब मैं यहाँ पे वापस अपनी छुट्टियाँ मना के आई तो यहाँ पे दिख रहा है कि मूवी का प्रमोशन किया जा रहा है, तो मतलब ये कैसे हो सकता है। आई मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे बिना ये मूवी कैसे बना सकता है। और कैप्शन पे उन्होंने ये भी लिखा बहुत गुस्से वाले इमोजी के साथ, आई कॉन्ट बिलीव दिस, हाउ कैन दे डू विदाउट मी, मेरे बिना ये कैसे कर सकते हैं।
तो इस दौरान उन्होंने बोमन ईरानी को भी टैग किया है और अपना एक वीडियो भी शेयर किया है, और कहीं ना कहीं बहुत लोगों ने इस पर कॉमेंट्स किया है और बहुत लोगों ने इनके साथ धोखा हुआ है, इनको भी शामिल करना चाहिए, इनको इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया तो बहुत गलत क्या है, इस तरीके के वीडियोस बना रहे हैं, इस तरीके के रिएक्शन दे रहे हैं, इस तरीके से कॉमेंट कर रहे हैं। अब देखना ये बाकी है कि जब हिरानी के तक ये बात जाएगा, यानी कि फिल्म के उस डायरेक्टर तक ये बात जाएगा कि करीना कपूर का इस तरीके से रिएक्शन आया है, तो उस पर वो क्या कहना चाहेंगे और करीना कपूर इस बात की किस तरीके से डील करेगी आगे, ये देखना बेहद खास होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए फिफा फुस।